शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। ओम। हम ज्ञान सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। इस सूक्त में ज्ञान के प्राप्ति, लाभ, उपाय, प्रकार सबकी चर्चा है। और जिस मंत्र पर हम इस समय विवेचन कर रहे हैं, जिस मंत्र की बात कर रहे हैं, उसके बारे में पिछले प्रवचन में हमने देखा था कि ज्ञान इंद्रियों के जो साधन हैं वो किन किन भूतों से किन किस तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें हमने एक बात देखी थी, मंत्र कह रहा है अक्षणवंतः कर्णवंतः सखाया, अर्थात ज्ञान के दो साधन हैं हमारे पास, आँख और कान। हमने पीछे देखा था कि आँख और कान कुछ मिलकर के ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करते हैं। आधुनिक दृष्टि से इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं, अर्थात हम देखकर जो ज्ञान है, जिसका अंतिम रूप पुस्तक है, हम पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना भी मूल रूप से देखना ही है। संकेतों को पहचानने को हम पढ़ना कहते हैं और आकार को पहचानना हम रूप कहते हैं, देखना कहते हैं। अर्थात एक वृक्ष को जब हम साक्षात देखते हैं तब हम देखते हैं कि वृक्ष को देख रहे हैं, लेकिन उसके चित्र को देखते हैं तब भी हम देख रहे हैं बोलते हैं। लेकिन जब अक्षरों में वृक्ष ऐसा लिखा होता है तब हम उसे देख रहे हैं नहीं बोलते, तब हम उसे बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखने में वस्तु का साक्षात रूप दिखाई दे रहा था, पढ़ने में साक्षात रूप नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु अक्षरों के पढ़ने से मस्तिष्क में रूप की रचना हो रही है। तो पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से वो जो अक्षर हैं, वो जिस चीज के संकेत हैं या उनका जो अर्थ है, वो अर्थ हमारे मस्तिष्क में प्रकट होने लगता है। तो ऐसे संकेतों को हम पढ़ना कहते हैं, मतलब जिन संकेतों से संकेतित पदार्थ का बोध हो रहा है। वास्तव में तो ये भी देखना ही है, लेकिन वहां हमें वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, तोप नहीं दिखाई दे रही है, पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, नदी नहीं दिखाई दे रही है, पर नदी कहने से नदी का बोध हो रहा है, पर्वत कहने से पर्वत का बोध हो रहा है। ये जो बोध को कराने के कारण जिन संकेतों को हम देख रहे हैं उन संकेतों को हम पढ़ना कहते हैं। तो वो पढ़ने से उस अर्थ की वास्तविक रूप की प्रतीति होती है। तो इसलिए आँख से देखते हैं, आँख से वस्तु को देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, फिर अक्षरों को देख रहे हैं, लेकिन अक्षरों से रूप नहीं दिखाई देकर रूप उसके अर्थ में दिखाई देता है। तो इसलिए देखना हमारे ज्ञान का प्रमुख साधन है। एक तो संसार को देखकर हम सीखते हैं, दूसरा हम पढ़कर सीखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद पढ़ना बाद की चीज़ है और देखना पुरानी चीज़ है, लेकिन इस पर विचार करेंगे तो ऐसा शायद नहीं लगे, क्योंकि जो वस्तु है वो उसका बोध हमें बहुत पहले से इसलिए है कि वस्तु हर समय हमारे सामने नहीं रहती।
जब वस्तु सामने नहीं रही थी तो उसका बोध हम शब्दों से कराते हैं। मान लीजिए वृक्ष मेरे सामने नहीं है तो वृक्ष बोलने से मुझे वृक्ष की प्रतीति होती है। तो जैसे शब्द के बोलने से वृक्ष की प्रतीति हुई, शब्द के सुनने से वृक्ष की प्रतीति हुई, वैसे ही वृक्ष अक्षर पढ़ने से भी वृक्ष की प्रतीति होती है। तो ये सारा जो तंत्र है ऐसा नहीं कह सकते कि अलग अलग या क्रमशः विकसित हुआ है, क्योंकि बोलना जैसे सुनना, जैसे बोलना सुनना वैसे देखना, तो ये सब चीजें लगभग साथ आपको दिखाई देंगी, ये एक दूसरे से बंधी हुई हैं। भगवान ने यदि कान पहले बनाए होते या आंख पहले बनाई होती तो हम कह सकते थे कि इसके विषय भी पहले के होंगे या इसके नहीं होंगे, लेकिन हम मनुष्य के रूप में जब उत्पन्न होते हैं तो हमारे समस्त साधनों के साथ होते हैं, और जब हम समस्त साधनों के साथ उत्पन्न होते हैं तो उनके भौतिक विषय, भौतिक उनके मूल, वो भी स्वाभाविक होंगे। तो इसलिए रूप जहाँ वास्तविक है, रूप जहाँ चित्र का है, रूप जहाँ सांकेतित है, रूप जहाँ ध्वनि है, तो वो न सब में भी कोई तारतम्य होना चाहिए। इसलिए जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिपि बाद में बनी कि पहले बनी, तो जैसे वेद को श्रुति कहा, तो वेद को श्रुति कहा तो ऐसा लगता है जैसे चलो कान से जुड़ी हुई बात हुई, लेकिन वेद को अक्षणवंत कर्णवंत भी कहा, मतलब वेद को जानने के लिए आंख और कान दोनों चाहिए। तो केवल सुनने से बात होती तो कान से होती, और वेद यदि देखने की बात है तो शब्द को देखा तो जा नहीं सकता, शब्द को तो सुना जा सकता है, लेकिन शब्द को देखने योग्य बनाना है तो उसके संकेत होंगे, उसकी लिपि होगी। इसी तरह से हमारे यहाँ शास्त्र में जिसको हम खेती कहते हैं, संस्कृत में उसे कृषि कहते हैं, और उसके लिए हमारे व्याकरण में एक धातु चलती है कृष विलेखने, अर्थात कृषि जो करना है वो लिखना है। जैसे पृथ्वी पर लकीर खींचते हैं, लिखते हैं, तो कृषि शब्द ये बता रहा है कि लिखने का जो बोध है ये हमारे लिए नया नहीं है। हम पुराने समय से इस लकीरों को बनाना जानते थे, और कुल लिखना लकीरों का संकेत ही तो जानना है और क्या है। एक मित्र ने हमें एक बहुत सुंदर बात सुनाई, वो कहने लगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे पूछा गया कि भाई ये ऐसी ऐसी जनसंख्या है, इसके इतने साधन हैं, ऐसा करने के लिए कितने उसकी आवश्यकता होगी, कितने साधन चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए, कितना कितनी राशि चाहिए। तो वो भला आदमी जमीन पर लिखने लगा। उन्होंने कहा भैया तो जमीन पर क्यों लिख रहा है, कागज ले ले। वो बोला जी नहीं, मुझे मेरी आदत है जमीन पर लिखने की, मैंने इसलिए जल्दी मैं काम कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जमीन पर लिखने की आदत तुम्हारी कैसे बनी? तो उन्होंने अपना इतिहास सुनाया। कहने लगे वो जिस गांव में रहते थे वो बहुत गरीब गांव था, आज से 50 साल पहले 60 साल पहले, और उस गांव में एक पाठशाला खुली जरूर थी, कोई आता नहीं था। बड़े बुजुर्ग जानते थे कि भाई ये थोड़ी सी एक झोंपड़ी बनी है, ये पाठशाला की है, लेकिन ना वहाँ कोई अध्यापक कभी आया, ना कोई विद्यार्थी बना, नाम को जरूर थी, लेकिन एक व्यक्ति कभी उसका तबादला हो गया कि उस गांव में तुमको अध्यापक बनकर जाना है। उसने आकर गांव वालों से पूछा भाई यहाँ विद्यालय कहाँ है? तो जो बड़े बुजुर्ग जानते थे उन्होंने कहा ये झोंपड़ी है, यही विद्यालय है। तो उसने कहा कि भाई यहाँ कोई घंटी है, कोई मेज है, कुर्सी है, कोई पुस्तक है, यहाँ कुछ नहीं है, पहले कभी कोई आया ही नहीं है।
तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल से हम पढ़ाएंगे, बच्चों से कहो कि स्लेट लाओ, पट्टी लाओ, तख्ती लाओ, पुस्तक कापी लाओ। गांव वालों ने कहा देखिए पैसे खर्च करने की कोई बात यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ किसी के पास भी पैसा नहीं है जो कापी किताब पट्टी खरीदेगा, यदि तुम ये करोगे तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम जाओ। अध्यापक बड़े उत्साही थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा। तो उन्होंने अपने एक श्याम पट की बना करके जैसे तैसे व्यवस्था कर ली और कहा बच्चों से कि आप पढ़ने जरूर आ जाना, चाहे कुछ भी लेकर मत आना। और बच्चे आ गए, बच्चे आ गए तो उन्होंने कहा कि अपने सामने की जो भूमि है, जमीन है, उसको ठीक ठीक समतल करो। और उसी पर उन्होंने उन बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया। तो वो सज्जन कहने लगे कि मैंने अपने गांव के विद्यालय में चौथी कक्षा तक जमीन पर ही लिखा और जमीन पर ही पढ़ा, तो आज भी मेरा जो अभ्यास है वो जमीन का ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे जमीन मिल जाती है तो मैं बहुत आसानी से, बहुत सहज रूप से काम कर लेता हूँ। तो बात जो है कृषि विलेखने, धरती पर लिखना, तो ये जो लिखना है बाद में आज आप पत्थर पर भी तो लिखते ही हैं, आप लकड़ी पर लिखते हैं, आप धातु पर लिखते हैं, आप कागज पर लिखने को लिखना समझते हैं, किंतु भूमि पर लिखने को हमें लिखना नहीं दिखाई देता या लिखना नहीं लगता। इस दृष्टि से हम विचार करें तो ऐसा लगता है कि शायद सबसे पहले हमने भूमि पर ही लिखना सीखा था और इसीलिए हमने खेती की कर पाए कि हम भूमि पर लिखना सीखे। तो ये कहता है कि ये जो लेखन है ये कोई आधुनिक विधा है ऐसा नहीं है। हम समझ लेते हैं कि शायद श्रुति कहने से, इसलिए केवल सुनकर ही करते हैं, लेकिन अक्षणवंत कहते हैं तो कान भी कहते हैं। तो जब हम वेद को देखते भी हैं और वेद को सुनते भी हैं, तो पुस्तक रूप में वेद को देखना तब तक नहीं हो सकता जब तक वो लिखित ना हो। तो इस दृष्टि से एक प्रकार लिखने का ये अक्षरों का है, वेद का है, और जहां तक संसार की बात है वो देखने से संबंध रखता है। हमारे यहां साहित्य में एक बड़ी रोचक बात है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तब बनता है जिसके पास अपनी प्रतिभा हो और उस प्रतिभा को कोई मार्गदर्शन देने वाला हो, उससे उसके अंदर कोई दक्षता प्राप्त हुई हो और दक्षता प्राप्त करने के लिए किसी ने बहुत अधिक परिश्रम किया हो, उस काम को बार बार किया हो, तो वो कहता है कि वो जो निपुणता है वो प्राप्त कैसे होती है। आचार्य मम्मट की एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। कहता है किसी के अंदर कोई क्षमता पैदा करनी हो, कोई योग्यता पैदा करनी हो, तो उसके पास तीन बातें होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर मौलिक होनी चाहिए, वो जन्म लेकर के उस चीज के साथ आया हुआ होना चाहिए, वो है प्रतिभा, जिसे शक्ति कहा है। दूसरी जो चीज है वो निपुणता है, वो है लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। उनमें सबसे पहली चीज है संसार को देखो। संसार को जो व्यक्ति जितना अधिक देख सकता है, देखता है, उसकी योग्यता, उसका ज्ञान उतना ही अधिक होता है, बढ़ता है। इसलिए लोक देखो, शास्त्र देखो, आप संसार को देखो तो आपके अंदर निपुणता आती है। हमारे यहां संस्कृत साहित्य में कहा है कि चातुर्य युग के मूल हैं, उनमें पांच साधनों में देशाटन पहला है।
तो लोक शास्त्र दोनों को बार बार देखने से हमारे मन में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, संस्कार बनते हैं लोक शास्त्र का व्यवेक्षणात्। और तीसरी चीज कहता है कि उस चीज को आप बार बार करो, बार बार अभ्यास करने से वो चीज प्रखर होती है, प्रबल होती है। तो इस दृष्टि से जब वेद कहता है अक्षणवंत कर्णवंत सखाय, अर्थात वेद का ज्ञान कान से ही नहीं हुआ है, बल्कि वेद का ज्ञान आँख से भी उतना ही होता है जितना कान से है। कान से जहाँ गुरु की वाणी सुनी है, आँख से गुरु को देखा है, वैसे ही संसार को देखा है, वैसे ही शास्त्र को, पुस्तक को देखा है। तो इससे ये चीज़ें क्या हैं, दोनों की बराबर हैं। अक्षणवंत कर्णवंत सखाय, दोनों के पास कान हैं, दोनों के पास आँख हैं, अर्थात देखने और सुनने की जो जानने के साधनों की क्षमता है वो इनके पास बराबर की है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब हम विचार करते हैं तो ये बराबर लाभ नहीं उठा पाते, ये बिल्कुल साधन एक जैसे होने पर भी प्राप्ति इनकी एक जैसी नहीं है। जे इसका एक ऐसा सा उदाहरण है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई जलाशय है, उसके अंदर प्रभूत मात्रा में जल होता है और उससे कोई जल कितना भी ले सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसके पास जैसी पात्रता हो या जैसा जिसका बर्तन हो तो उतना ही जल वो ले जा पाता है या ले जा सकता है। जल का पर्याप्त होना एक अलग चीज है और जल का उपयोग करने का सामर्थ्य होना एक अलग बात है। तो ये कहता है कि भाई ज्ञान सब जगह है, गुरु जो है वो जब उपदेश करता है, वो कोई चीज कहता है तो वो अलग अलग तरह से नहीं कहता है। एक प्रवचनकर्ता जब कोई उपदेश देता है तो वो अपने श्रोताओं के लिए अलग अलग उपदेश नहीं देता है, सामने बैठे हुए सभी लोगों के लिए वो एक जैसा ही प्रवचन करता है। किंतु जो बैठे हुए लोग हैं उसका प्रवचन का जो प्रभाव है उन पर वो एक जैसा पढ़ता नहीं है, एक जैसा दिखाई देता नहीं है। तो ये जो प्रवचन का प्रभाव न पड़ना है, वो न पड़ने के कारणों पर इसमें विचार किया गया है, इस मंत्र में उस बात को समझाया गया है, इसलिए यहाँ एक शब्द कहा है। वो कहता है अक्षणवंत कर्णवंत सखाय। ओ शांति सर्वं शांति शांतिरेव।